अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेरी व्लॉग चैनल। सो गाइस, फाइनली आज हम करने वाले हैं 20वीं सहरी। फाइनली 20 रोज़ा आज मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैं आई मार्केट से 1-1.5 घंटा पहले, और इतना ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि अब जैसे आपको पता है कि 20 रोज़े हो गए मुकम्मल, तो अब 10 दिन ही बाकी है ईद को। तो फिर अब से ईद की जो तैयारी है वो स्टार्ट करनी है। तो बस मेरी भी तैयारी माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है, पहले कुलसुम की तैयारी करनी है, फिर जोहान की करनी है, फिर सबका देखना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह से अपनी तैयारी करनी है। तो आज एक ड्रेस ना मुझे पाकिस्तानी, एक्चुअली मैंने आज अलविदा जुमा के लिए एक ड्रेस ले ली हूँ, क्योंकि अलविदा जुमा में भी हमें नई ड्रेस पहनना चाहिए, और मैं हमेशा अलविदा जुमा में नई ड्रेस ही पहनती हूँ। तो अलविदा जुमा का जो ड्रेस है माशाल्लाह से आज मेरा जो है आ चुका है फाइनली। और यहाँ पे ना मैं मार्केट से आई ना, तो मैंने काजल भी रिमूव नहीं की, एक रिमूव हो चुका है और एक देखो अभी तक आँखों में लगा हुआ ही है। तो मैंने अभी जस्ट फेस वॉश वगैरह की और टीथ वगैरह क्लीन की। तो मैं आपको बताई थी कि अलविदा जुमा का ड्रेस आ चुका है। एक पाकिस्तानी मुझे मुमरा में पसंद आया है, मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर की, जिसका प्राइस है 5000 रुपीज़। और मैं कभी भी हर ईद में मेरे ड्रेसेस यही रेंज के होते हैं, तो ये रेंज के हैं, लेकिन जो ड्रेस है वो मम्मी को वर्थ नहीं लग रहा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने कुछ 7000 रुपीज़ का ईद के लिए ड्रेस ली थी, और वो एक ही बार मैंने पहना है, उसके बाद अभी तक मैंने उसको वेयर ही नहीं की थी। तो फिर मम्मा बोल रहे हैं कि पहले एक दो बार और कहीं अच्छी जगह देखते हैं ड्रेसेस, तो अगर दूसरी जगह मिल गए कंपैरिजन ये ड्रेस के तो वहाँ से ले लूँगी, नहीं तो ये ड्रेस अब मेरा कंफर्म हो चुका है ईद का। बस होप है कि ये ड्रेस अब ईद से पहले असेल सोल्ड ना हो, ऐसा ही। हाँ ले लो ना खिचड़ी, मैं खिचड़ी नहीं खाऊँगी। तो मैं आपको बताई थी हाँ, तो वो बिके ना ड्रेस, वैसे तो रमज़ान का मैंने कल हम ड्रेस देख के आ रहे हैं और आज वो ड्रेस हम जा रहे हैं अगर लेने के लिए, क्योंकि अलविदा जुमा का ड्रेस मैंने कुछ और देखी थी एक दिन पहले, फिर मैंने सोची थी कि ठीक है मैं कहीं और देखती हूँ, कहीं और देखने की चक्कर में वो ड्रेस सोल्ड आउट हो गया। फिर मैंने दूसरा वाला जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने फ़ौरन ले ली, क्योंकि अगर मैं फिर ये सोची थी कि आज मैं ये ड्रेस पसंद करके जा रही हूँ कल आके लूँगी, तो वो बिल्कुल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ईद का वक्त है। तो अभी बस यही है कि देखते हैं, एक आध दिन में मैं नाखुदा मोहल्ला जाऊंगी और मुंबई की सब मार्केट घूम लेती हूँ, तो अगर मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा तो फ़ौरन आके मैं ये वाला ड्रेस ले लूँगी, वरना ये ड्रेस भी जो है मेरा चली जाएगा। तो चलते हैं, आज मैंने लेके आई हूँ मस्का बन चाय। आज हमारी जो सहरी एकदम लाइट और हल्की फुल्की होने वाली है, साथ में पीऊँगी मैं अपनी एनर्जर की ड्रिंक। तो हेलो एवरीवन, सैरी करके हम लोग सो गए थे, नमाज अदा की है बिल्कुल, और फिर नमाज अदा करके हम सो गए थे। आ आ आ, ये चिया की बैकग्राउंड नॉइज आना घर में जरूरी हो गया है। क्या चाहिए बाबू? फ्रिज खोलने को चाहिए जोहान को, देखो। तो अभी आज अभी तक असर की अजान नहीं हुई है, और अभी मैं नहा धो के एकदम फ्रेश हो गई, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है दिन में 3-4 बार नहाओ ना तो भी कम है। क्या बाबू, देखो ये जोहान को देखो, ऐसे ही करता है जब भी हम लोग किचन विचन में आते। क्या की कुलसुम मारी, कुलसुम मारी, ले लूँ ले लूँ। हाँ तो ये देखो, ये मेरे ऐसे गोदी में आ गया, और जब भी मैं किचन में आती हूँ ना काम करने, कुकिंग करने, इफ्तारी बनाने, ये छोना छा छे जा दो चिया, हाय करो सबको, अस्सलाम वालेकुम। तो ये ऐसे आ जाता है टंके, अभी इसको मैं किसी को दे देती हूँ ताकि दीदी इसको संभाल लेना। ये देखो
सब चीज मांगता रहा कि किचन की, कभी ये चाहिए, कभी छन्नी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुकर का ढक्कन चाहिए। अभी देख रहे दीदी क्या आप मसाले पीस के लेके आइए, ये ले दीदी इसको ले ले। तो मैं आपको बता रही थी, सबसे पहले सबको दिल से बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे, दिल से थैंक यू सो मच। और जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिलते हैं, सच आप यकीन मानो मुझे इतना अच्छा लगता है आजकल जब आप हमें रोड पे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि जो मेरे व्लॉग्स है आपको पसंद आते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का जो व्लॉग है स्टार्ट हो चुका है पहले से ही, तो अभी इफ्तार की प्रिपरेशन स्टार्ट करते। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन रेशियन कटलेट, और कल जो मैंने चना मसाला आपको मुंबई स्टाइल रेसिपी दी थी, आज वो भी बनाऊंगी, अपने नेबर्स को भी खिलाऊंगी। आज मम्मी का कहना है कि नेबर्स को खिलाना चाहिए जब भी कुछ अच्छी चीज़ें बने। तो कल तो मैं बहुत थोड़ा सा बना के ट्राई करी थी, बड़ा मज़े का बना था, तो आज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ पे चने का जो है प्रिपरेशन मेरा पूरा रेडी होने वाला है, तो सबसे पहले वो रेडी करूंगी। यहाँ पे मैं चिकन कटलेट्स के लिए पूरा जो तैयारी स्टार्ट करी हूँ। तो चिकन रेशन कटलेट्स कैसा बनाती हूँ आपको रेसिपी फटफट से देती हूँ, एंड आप जरूर ट्राई करना घर में मेरे मेथड से, एंड कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चिकन रेशन बनाने के लिए सबसे पहले आलू लेंगे, उसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। आलू देखो मैंने कैसे बड़े बड़े पीसेस कट किए, और चिकन ली हूँ यहाँ पर मैंने 1/2 किलो, जिसे मैंने ना विनीगर में अच्छे से वॉश कर ली हूँ। आपको पता है जब भी मुझे कुछ कैटलेट्स वगैरह बनाना रहता है, मैं ऐसे ही चिकन आलू साथ में गला लेती हूँ। अब इसे हम रख देंगे और 2 सीटी में इसे गला लेंगे, 2 से ज़्यादा सीटी बिल्कुल आपको लेना नहीं है, सिर्फ 2 सीटी इसमें हमें सबसे पहले ले लेना है। सो गाइज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज अभी जस्ट मेरी कंप्लीट हुई है, और आज मैं एकदम अजीब अजीब सी लग रही हूँ क्योंकि मेरे बाल ना अभी तक सूखे नहीं है, एकदम गीले गीले, क्योंकि मैंने जस्ट अभी नहाई हूँ एंड असर की नमाज़ पढ़ के ना सोची थोड़ा ऊपर छत पे चलती हूँ, बिकॉज इतना गर्म हो रहा था। किचन में रेशन कटलेट्स का जो आलू और चिकन था वो मैंने बॉईल करने रख दी, तो 2-3 सीटी आएगी जब तक मैंने सोचा 5-7 मिनट है, तो ऊपर छत पे चलते हैं थोड़ा अच्छा सा फील लेते हैं। बहुत गर्म हो रहा है, इतना गर्म हो रहा है ना, इतना गर्म सीज़न है कि क्या बताऊँ। और एक तो ऊपर से मेरे बाल भी नहीं सूख रहे, पूरे अंदर अंदर से गीले ही अभी तक का। तो बस 2-5 मिनट अपनी छत पे रह के इंजॉय करते, अपने कबूतरों से बात करते, अपने कबूतरों से मिलते, देन नीचे चलेंगे किचन में। ये देखो ऊपर का आज का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा कम चल रही है, गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये मेरे प्यारे कबूतर, आज ज़्यादा है नहीं, बहुत थोड़े थोड़े सही है, ये देख लो माशाल्लाह। ये लोग जब ऐसे उड़ते ना ऐसे, इतने प्यारे लगते मुझे, पता नहीं क्यों बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। तो ये देख लो अभी इनका राउंड अप चालू हो गया है, 2-5 मिनट ही आपको दिखेंगे, ऐसे मैं पूरा घुमा के दिखा रही हूँ माशाल्लाह से। ये देखो कोई अरे 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 मैं गिर ना जाऊँ, कोई कहीं पे भी ऐसा घूमते रहता है। और आज माशाल्लाह से नीचे की रौनक, आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि ईद का कुछ ही दिन बाकी है, तो सब लोग माशाल्लाह से सिर्फ तैयारी में ही लगे हुए हैं। ये देखो ये हमारा देसी लड़का, इसको भी ऐसे छत पे रोज शाम, और ये देखो कितनी जोर जोर सबको मारा और पेन से क्या। तो ये देखो कितना गंदा किया है, अभी मैंने इसको मॉर्निंग ही नहला के फ्रेश करके रखी थी। देखो जोहान नहीं, इट्स अ बैड हैबिट्स जोहान, बैड हैबिट्स। देखो कैसे उसको, तो क्या पता बच्चों को क्या शौक पड़ता है, मुझे भी नहीं समझ में आता है, बस उनको ऐसे ये सभी मट्टी वट्टी गंदगी में खेलने को मजा आती है। तो यहाँ पे देखो चिकन आलू रेशन के लिए एकदम अच्छे से गल गया है, तो ये दोनों को आप साथ में ही इस तरीके से निकाल ले। और अब इसको है ना मैं चिकन को जो है श्रेड कर लूँगी, जैसा हम कैटलेट में यूज़ करते बिल्कुल उसी तरीके से। तो सबसे पहले चिकन आलू को ठंडा करके श्रेड कर लेते, फिर से बनाना कैसे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी चिकन आलू श्रेड कर लिए हमने, अब हम बनाएंगे स्टफिंग। तो सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल, ये देख इसको क्या हो गया, तेल डालेंगे 2 से 3 चम्मच, अच्छा क्योंकि हमें मसाले को अच्छे से खूब भूनना है, तो 3 से 4 चम्मच अच्छा तेल डाली हूँ मैंने। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के जितना जीरा, बहुत अच्छा रेशन बनता है, जैसा मैं आपको बता रही हूँ बनाना बिल्कुल आप वैसे ही बनाना। अब इसके अंदर ये मैंने ना अदरक लहसुन हरी मिर्ची क्रश कर ली हूँ, बाबा बहुत जोर से उड़ा समाज, तो ये कम से कम हम 2 चम्मच अच्छा भर के डालेंगे, हाथ संभाला।
तो मसाला इसमें मैंने पूरा डाल दी हूँ और थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे ताकि ये जो कच्चापन है बिल्कुल ना रहे, तो एकदम तेल छूटना चाहिए मसालों में, तो उतना आपको भूनना है। ये अच्छा सा भून गया है, इसके अंदर में से तेल निकल रहा है। अब इसमें डालेंगे नमक। अच्छा, नमक बहुत हिसाब से डालें। सब्जियाँ यहाँ मैं यूज़ करी हूँ कैबेज बारीक कट करी हूँ, शिमला मिर्ची है, गाजर है, तो ये तीनें भी आप डाल दें। और मैं आपको चीज़ बता रही हूँ, इसमें फरसबी भी पड़ती है, तो फरसबी भी आपको चाहिए तो आप ऐड कर दें। ये अच्छे से आप मिक्स करके थोड़ा सौते कर लें ताकि ये जो सारी वेजीज है अच्छे से सौते हो जाए। ये जब तक सौते हो रहा है, इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेवर के लिए एक आप इसके अंदर चिकन मसाला एवरेज का पूरा फुल 5 रुपये वाला पैकेट है छोटा, वो ऐड कर दें। एक यहाँ पे मैं मैगी मसाले का ये बॉक्स ले रही हूँ जिसमें 2 पीस आता है, तो मैं बस एक ही पीस यूज कर रही हूँ। अब आप इसके अंदर ऐड कर दें थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला टेस्ट के लिए, हल्का सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है, एकदम थोड़ा सा। सारे मसालों को इस तरीके से आपको अच्छे से रोस्ट कर लेना है ऑयल में, अच्छे से फ्राई होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कच्चे हैं या अनभुने। अगर यहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी बिल्कुल ऐड कर दें ताकि जो मसाले हैं अच्छे से आपके भून जाए, कच्चे ना रहे, बिल्कुल आपको अच्छे से भूनना है इस तरीके से आप भून लें। अब इसके अंदर आप 1 चम्मच विनीगर, बस 1 चम्मच विनीगर, 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस और 2 चम्मच के जितना रेड चिल्ली सॉस ऐड करें और इन्हें भी आप अच्छे से इसमें मिक्स करें इस तरीके से। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो रहा है और इसमें अच्छे से मिक्स होकर भूनना है ताकि भूनने की खुशबू अच्छी आनी चाहिए, तो 1 से 2 मिनट आप इसे भून लें। तो ये अच्छे से भून गया, अब इसको एक साइड कर ले इस तरीके से। अब इसमें डालें 2 से 3 चम्मच के जितना मैदा, देखो आप इस तरीके से इसके अंदर, अरे क्या हो रहा है, मैदा और हाँ मैदे को अच्छे से भूनते जाए इसके अंदर, ठीक है, खूब अच्छे से मैदे को आपको इसे भूनना है, अच्छे से भूने इस तरीके से। और मैदा अगर आपको लग रहा है कम है तो 1 से 2 चम्मच मैदा आप इसमें बिस्मिल्लाह करके और ऐड करें। तो यहाँ पे पहले मैदे को खूब 10 मिनट तक का मसालों में अच्छे से भूनना है ताकि वो पूरे अच्छे से ब्राउन हो जाए, ठीक है, मैदा बिल्कुल कच्चा नहीं। यहाँ मैदा अच्छे से भून चुका है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि जो मैदा अच्छे से मिक्सिंग में काम आए, अच्छे से मिक्सिंग हो। गैस का फ्लेम बहुत हाई है, स्लो कर देती हूँ मैं थोड़ा। अब इसके अंदर मैं चिकन को जो श्रेड करके रखी थी वो ऐड कर दूंगी और यहाँ जो आलू को रखी थी उसे भी मिक्स कर दूंगी, पर अभी नहीं, अब पहले हमें इसे सिर्फ स्टफिंग को अच्छे से रेडी करना है, बिस्मिल्लाह कर। तो ये देखो, ये चिकन को पूरा हम इस तरीके से आलू में निकाल लेंगे, इधर आलू जो मैंने बॉईल करके रखी थी उसमें, और अब इन सबको हाथों से क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये पहले पूरा मैं निकाल लूँ और अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, रेशन को मैंने अच्छे से ना पीट पीट के अच्छे से क्या करी हूँ, मिक्स कर ली, खूब अच्छे से पीटना है ताकि मसाला है जो अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि मसाले मिक्स ही ना हो और फिर रेशन अच्छा ना बने। थोड़े छोटे छोटे कबाब बनाएंगे रेशन के। अच्छा, रेशन अब लंबा भी रहता है, गोल भी रहता है, कैसा भी रहता है, जैसी अपनी शक्ल वैसा रेशन बनाओ। कुलसुम का कहना ऐसा है गाइस, मैं नहीं बोल रही, कुलसुम बोलती है हमेशा जैसी मेरी शक्ल वैसा तुम मुझे खाना बना के दिया करो, तभी अच्छा अच्छे खाने बने। तो रेशन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो मैं गोल बना रही हूँ, हाथों पे हल्का सा पानी लगा ले इस तरीके से और रेशन को अच्छे से शेप दे दे, ठीक है। अभी से फ्राई के कैसा करना है वो भी बताती हूँ। मेरा मसाला चना भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो ये देखो, हाथों में पानी में थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से शेप आ जाए। तो बस पहले क्या करेंगे, जल्दी से रेशन रेडी करते हैं। यहाँ पे मेरा चना मसाला भी मैं आपको दिखाती हूँ रेडी है, तो फटफट फ्राई करके पहले इफ्तारी भेजते हैं सबको, वरना लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा पतली पतली टिक्कियाँ भी ले सकते हो, और टिक्कियाँ तो वैसे भी अभी सेवईयाँ इस पर जब लगेगी तो पतली हो जाएगी। तो ये रेशन का कटलेट जो है आधा रेडी हुआ है, ठीक है, आधा
तो पहले रेडी कर लेती हूँ मैं पूरा। तो अंडे में इसे पहले डिप करेंगे और इस तरीके से है ना हाथ से सेवैयां लगाएंगे। ये रेशम बड़ा अच्छा लगता है रेशम का। आज ये कुलसुम के फरमाइश पे बन रहा है। आज कुलसुम को थोड़े सब्सक्राइबर मिले थे शायद, तो कुलसुम बड़ी हैप्पी हैप्पी हो गई। और कुलसुम बोली अच्छा दीदी ऐसे सब लोग मिले है ना। मेरी कुलसुम तो इतना खुश हो जाती ना, आप यकीन मानो, कोई कुलसुम को मिलता है और उससे पूछता है ना कि आप लोग व्लॉग बनाते हो और आप लोग का व्लॉग अच्छा लगता है, कोई तारीफ करता है, तो मेरी कुलसुम माशाल्लाह इतनी खुश हो जाती, इतनी आके इतना हैप्पी हैप्पी बताती है कि दीदी आज अपनी तारीफ हो रही थी, आज अपने मतलब जो हमें चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं माशाल्लाह वो मिले थे। तो बस इसी तरीके आपको कोटिंग कर लेनी है, तो मैं कोटिंग कर लेती हूँ पहले। तो माशाल्लाह से यहाँ तेल गर्म हो चुका है, बिस्मिल्लाह करके हम रेशियन फ्राई करेंगे। और ये देखो माशाल्लाह आज हमारा रेशियन कटलेट बन ही गया। हमारे यहाँ पे एक एक डिश बन रही है रोजाना माशाल्लाह। और फिर हम इतना जी भर के खा ले रहे कि हम उसे दोबारा बना रहे ही नहीं। तो बस इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं 2 से 3 मिनट। ये देखो अच्छी तरीके से एकदम बहुत अच्छी तरीके से ये फ्राई हो रहा है। मैं आपको ये दिखाती हूँ, तो इसको आपको बिल्कुल छेड़ना नहीं है और इसे हाई फ्लेम पे बस इसे 1-2 मिनट और होने देंगे इस तरीके से, एंड देन फिर इसे निकाल लेंगे। फ्राई कर रहे थे तो यहाँ पे ये रेशम जो है मेरा माशाल्लाह रेडी हो गया है। इसे भी मैं निकाल रही हूँ और एकदम क्रिस्प हो गया, देखो एकदम क्रिस्प हो गया माशाल्लाह। तो बस इसे भी निकाल लेते हैं और जितना रेशम है बचा हुआ उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। गर्मा गर्म जो हमारा रेशम है वो माशाल्लाह रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह मेरा मुंबई स्टाइल चना मसाला जो है रेडी है। थोड़ा इसे मैं गाढ़ा कर रही हूँ पका के, ये गाढ़ा खुद ही हो जाएगा। हाँ, पर इसे अभी हल्का तो पकाना पड़ेगा ना, फिर इसे पूरा टॉपिंग वगैरह करके नेबर्स को हम सर्व करेंगे। तो ये जो है इसे अभी कुक होने देते हैं हाई फ्लेम पे। तो अभी हम लोग चना मसाला माशाल्लाह से अपने जो नेबर्स है उनके लिए निकालेंगे। थोड़ा मसाला डालेंगे, आलू। ये मुंबई की इतनी अच्छी फेमस डिश है ना कि आप कभी भी मुंबई जाओगे ना ये चना मसाला आप जरूर ट्राई करना। इसमें हम भाई कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम रेड चिल्ली फ्लेक्स, सारे चिल्ली फ्लेक्स। अच्छा, हम तीखा खाते हैं इसका मतलब नहीं है कि सब तीखा खाते हो, तो मिर्चियाँ थोड़ी कम डालें आप। बस बस बहुत है गई है ना। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा भुना और कुटा जीरा डालेंगे और माशाल्लाह से डालेंगे इसमें थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन और लेमन निचोड़ के जो है हम ये स्वाद जो है एंजॉय करेंगे। चलो इफ्तारी जो नेबर को देंगे। हाँ, पहले नेबर्स को देते। तो फाइनली दस्तरखान पे हमारी इफ्तारी जो लग चुकी है, कबाब, फ्रूट्स, कबाब, माशाल्लाह भजियाँ, वहाँ पे पूरे चना मसाला, फालूदा और ये आया है हमारे यहाँ कस्टर्ड। तो चलते हैं इफ्तारी खोलते। कस्टर्ड ये चाइना ग्रास ही है, चाइना ग्रास। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अजान हो गई है, खजूर ले लेते हैं, इफ्तारी खोलते।